भेदभाव जातिवाद खत्म हो जाता तो ये बच्चे की हत्या नहीं होती। उन बलात्कारियों को जल्दी छोड़ते नहीं, क्योंकि वो भी तो किसी की महिला थी जो जिस पे अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, उन 11 जनों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उनको फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई? हम एक होते हैं तो ये प्रधानमंत्री जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे, केजरीवाल जैसे और जो यूपी में सरकार बैठी है तो ये भी हमारे सामने झुक जाती। बस हमारी थोड़ी यही कमी है, हम एक नहीं हो पा रहे और जिस दिन हम एक हो गए। मैडम देखो, दलित समाज पर आई है तो हम उनको बाहर ना, तो उनको बाहर निकलने देंगे जब तक उनकी फांसी की सजा नहीं होगी। हम नरेंद्र मोदी को भी दिखा देंगे कि दलित समाज होता क्या है। अन्य समाज के साथ होता तब नहीं आते आप? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। समाज समाज है, मैं ये नहीं कहता दलित समाज। हत्या, बलात्कार, मारपीट करना, ये सभी धर्मों के अंदर है, मगर सबको न्याय मिलना चाहिए मैडम। या किसी भी जाति के साथ हो, किसी जाति, स्वर्ण जाति का बच्चा भी मर जाता उसके साथ भी हम खड़े होते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। न्याय तो आप कब से मांग रहे हैं, लेकिन लगातार जो अत्याचार तो वही के वही है, होता जा रहा है। आज जो ये सोच, मानवतावादी सोच जो सरकार चला रही है, अपना माइंड चला रही है, वो ना तो किसी स्वर्ण जाति को देख रही, ना किसी दलित जाति को देख रही। वो अपनी नर नीति से अपने प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, कभी ईडी जांच, कभी सीबीआई जांच। ये जो जांच है, जो ये बच्चा मरा है, इस पर सीबीआई जांच कराए ना, जल्दी से न्याय लाए ना। ये तो होता है एक प्रधानमंत्री का कहना, क्या भाई चलो भाई, क्या भाई सबके मिलकर एक एक जांच करें और जल्दी जल्दी रिजल्ट आया। अभी किसी के घर में रेत डलवानी है तो 2 मिनट में ईडी की जांच करा देंगे, सीबीआई की जांच करा देंगे। एक बच्चा मर गया जिसके घर से परिवार गुजरता है, उनकी हालत पता होनी चाहिए, क्या उनके मन पर क्या बीत रही है और क्या कैसे वो रोटी खाएंगे, कैसे वो करेंगे। जिसका छोटा सा बच्चा मर जाए घर पर, उनके घर पर रोना। देखो हाँ, ये बात बहुत अच्छी बात की। आज स्टम केजरीवाल मौन क्यों है? क्योंकि केजरीवाल जी को भी जो दिल्ली में एक इकाई है, जो केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली के अंदर, उनको भी एक दिल्ली पर एक प्रोटेक्ट करना चाहिए था उस बच्चे के खिलाफ। और उनको मांग करनी चाहिए केंद्र सरकार को कि उनको न्याय दे। जितने कांग्रेस तो सामने आई नहीं रहा, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है वो तो चुप्पी छापी हुई है। क्योंकि कांग्रेस सरकार उनके घर पर प्रेशर भी डाल रही है, उनके माँ बाप को मना रही है क्या उनका कम्प्रोमाइज कर ले, मगर हम उनके घर पर भी जाएंगे। अभी बीच में भी होके आए थे और फिर दोबारा जाएंगे। अभी हमें सुना है 2-3 दिन के अंदर क्या उनके फादर को मना लिया गया है कम्प्रोमाइज के लिए, मगर हम उनके फादर को समझाएंगे, आपका बच्चा मरा है, आप कम्प्रोमाइज के लेने हैं, दलित समाज आपके साथ है। गलत खबर है जो फैलाई जा रही कम्प्रोमाइज। देखो जो हमने सुना है वो मैंने आपके चैनल के माध्यम से बता दिया, गलत खराब खबर है वो ठीक है, मगर हम उनके घर जाकर वहाँ पता करेंगे क्या बात सच्चा है झूठ है। ये तो जब तक मैं जो देश है जब तक चलता रहेगा, क्योंकि ये एक 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 इकाई बननी चाहिए, एक संविधान बनना चाहिए, दलितों का अत्याचार बंद करें और दलितों का को हक और अधिकार की लड़ाई है उनको मिलना चाहिए। जब तक उनको अत्याचार की लड़ाई नहीं लगती, यह अत्याचार होता रहेगा। भेदभाव जातिवाद सब देश से खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। भेदभाव जातिवाद खत्म हो जाता तो ये बच्चे की हत्या नहीं होती। उन बलात्कारियों को जल्दी छोड़ते नहीं, क्योंकि वो भी तो किसी की महिला थी जो जिस पे अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, उन 11 जनों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उनको फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई? इसी सदी में कोई मूंछ रखता दलित तो हत्या कर दी जाती है, अच्छे कपड़े पहनता तो हत्या कर दी जाती है, गार्ड घोड़ी पे चढ़ता तो हत्या कर दी जाती है। तो आपके चैनल से माधव, आप खुद मीडिया वाले ये बोल रहे हैं, अब भी जातिवाद है, आप भी कहते हो जातिवाद, हम भी कहते हैं जातिवाद है, मगर ऐसी जातिवाद नहीं होना चाहिए। दलित बच्चे को भी घोड़ी पे बैठने का अधिकार है, स्वर्ण जाति को भी बैठने का अधिकार है, सभी जातियों को घोड़ी पे बैठ के शादी करने का अधिकार है, मगर ऐसी सोच, ऐसा कानून बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी से ये मांग है क्या, ऐसा कानून बनना चाहिए, सबको एक समान रखें। वो कैसे करेंगे? अभी अमृत महोत्सव बना के गए, लाल किले पर झंडा फहरा के गए हैं, एक दलित बच्चे के लिए उन्होंने 2 शब्द में दुख प्रकट भी नहीं किया। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, मगर ऐसे प्रधानमंत्री की हम निंदा करते हैं। और अब नेता लोग आएंगे, कंपनसेशन की बात करेंगे, क्या कंपनसेशन बहुत है? नहीं, कंपनसेशन हमें चाहिए नहीं है, हमें न्याय चाहिए। और इन परिवार के अंदर जो भी है 18 साल से ऊपर, उनको एक नौकरी चाहिए। कंपनसेशन हमें नहीं चाहिए, हमें उन जो टीचर ने उसको मारा है बेदर्दी से, उसको फांसी की सजा हो, ये कंपनसेशन हमारे। दलित पे अत्याचार रुकेगा कब, कैसे रुकेगा ये बताइए। मैडम दलित के अत्याचार के लिए हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी बार बार, जब जब दलितों पर या किसी भी जाति पर अत्याचार होगा हम आवाज उठाएंगे। आप तो एक ही नहीं दिखते, बहुजन समाज ही एकदम बटा बटा दिखता है, आप में एकता नहीं है।
देखो मैडम, ये बात आपकी अच्छी है, हम एक नहीं हैं। हम एक होते तो ये प्रधानमंत्री जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे, केजरीवाल जैसे और जो यूपी में सरकार बैठी है तो ये भी हमारे सामने झुक जाती। बस हमारी थोड़ी यही कमी है, हम एक नहीं हो पा रहे। और जिस दिन हम एक हो गए, अभी धीरे धीरे मैडम पटड़ी पर गाड़ी आ रही है, हम एक होके दिखाएंगे। अभी कुछ समय लगेगा, एक होने के बाद इन सरकार को भी दिखा देंगे कि हम एक हैं। वोट लेने के लिए तो हमारे पैर में भी गिर जाते हैं, वाल्मीकि समाज सुन सकते हैं। जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि वाल्मीकि समाज का समय अच्छा वोट मिला और हमारे को जितवाया, आज वही केजरीवाल चुप हैं। और ऐसे ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी की कहते हैं दलित समाज हमारे लिए है, और प्रयागराज के अंदर जाकर सफाई कर्मचारियों के पैर धो के पैर धोते हैं और उनको सम्मान के देखते हैं। अब देखो दलित समाज पर एक बच्चा गुजरा है, अब नरेंद्र मोदी एक चुप्पी साधे हुए एक शब्द नहीं बोला। मैं ऐसे प्रधानमंत्री की निंदा करता हूँ। अब आप लोग क्या करेंगे आगे? आज हम रणनीति बनाएंगे, यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, फिर हमारा एक 16 तारीख का प्रदर्शन है सफाई कर्मचारी के विषय पर, उसके बाद एक रणनीति बनाएंगे या उससे पहले जो हमारे अध्यक्ष जी रणधीर गागड़ जी बोलेंगे उसकी रणनीति का प्रचार कर क्या पता संपूर्ण भारत बंद करने का आह्वान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो है इनकी प्रदर्शन चल रहा है, लगातार उस पर ही जिस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, लगातार जो है दलित समाज की हत्या कर दी जाती है। कभी बेटी के साथ जब इस तरीके का रेप कांड होता है तो उस पर जो है बरी हो जाते हैं जो अपराधी होते हैं, उनको बरी कर दिया जाता है, या फिर इसी तरीके से इंद्र मेघवाल की तरीके से जो उसकी हत्या कर दी जाती है, पानी पीने पर, घोड़ी बैठने पर जो है हत्या कर दी जाती है, मूछे रखने पर हत्या कर दी जाती है। तो अभी ये कोई एक रणनीति बनाएंगे, उसी के चलते ये लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए बताया इन्होंने कि रणनीति बनेगी और उसके आगे जो है जो कुछ रहेगा उस पर ये आगे ये इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में जंतर मंतर दिल्ली।